रमेश यादव उर्फ रमेश कालिया, यूपी का वो माफिया जिसने 21वीं सदी की शुरुआत में ठेकेदारों और बिल्डरों की रूह कपा रखी थी। सपा के एक नेता की गाड़ी को सरेआम रोककर हत्या करने से कालिया सुर्खियों में आया था। रमेश कालिया 2004 के दौर में लखनऊ का सबसे बड़ा माफिया डॉन था। उसका आतंक इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसके खिलाफ कोई कुछ बोले। उस समय यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी और उनके सामने चुनौती कालिया पर नकेल कसने की थी। यादव ने डीजीपी को बुलाकर माफियाओं पर काबू करने का हुक्म दिया। उसी दौर में एक ऐसे तेज तर्रार आईपीएस मुजफ्फरनगर में तैनात था जिसका नाम सुनकर माफिया गुंडे पैंट गीली कर दिया करते थे। उस पुलिस अफसर को फौरन बतौर लखनऊ एसएसपी बुलाया गया। उस अधिकारी ने पहुंचते ही 10 माफियाओं की लिस्ट मंगाई और धरपकड़ शुरू हो गई। उस समय यूपी में रेलवे के ठेकों में सपा के बाहुबली एमएलसी अजीत सिंह का सिक्का चलता था, मगर वो भी रमेश कालिया से घबराता था। उन्नाव में अजीत के गेस्ट हाउस पर उनके जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। सब नशे में धुत होकर हवा में फायरिंग कर रहे थे। अचानक एक गोली अजीत सिंह के सिर के आर पार हो जाती है। अजीत सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है, मगर उनकी मौत वहीं हो जाती है। पुलिस रमेश कालिया की तलाश में जुट जाती है। इस खुफिया ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन कालिया। कालिया की लोकेशन उन्नाव पहुंची, मगर कई ठिकानों पर रेड के बावजूद पुलिस के हाथ नाकामी लगी। 10 फरवरी 2015 को कालिया ने एक बिल्डर को फोन पर 5 लाख की रंगदारी मांगी। कालिया ने बिल्डर को नीलमथा के एक सुनसान इलाके में पैसे लेकर बुलाया। पुलिस की परेशानी ये थी कि वो सीधे घुसती तो सबको पता चल जाता और हो सकता है पुलिस पर उल्टा ही रमेश कालिया हमला कर देता। 12 फरवरी 2005 बिल्डर 40,000 रुपए लेकर पहुंचा। पैसे देखकर कालिया गुस्से में आग बबूला हो गया, क्योंकि कालिया ने 5 लाख की रंगदारी मांगी थी। कालिया ने बिल्डर पर पिस्तौल तान दी। बिल्डर गिड़गिड़ाने लगा और कालिया से जान की भीख मांगने लगा। उसी दौरान पास से ही एक बारात गुजर रही थी। दूल्हा दुल्हन एक गाड़ी में सजी हुई गाड़ी में बैठे हुए थे। अचानक से बारातियों ने कालिया की उस निर्माणाधीन कोठी का घेराव करना शुरू कर दिया। कालिया के गुर्गों को ये समझ देर नहीं लगी कि ये कोई बारात नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं। ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। दूल्हा दुल्हन सब ने मोर्चा संभाल लिया और 20 मिनट तक चले इस एनकाउंटर में रमेश कालिया ढेर कर दिया गया। इस एनकाउंटर में बाराती बने 2 पुलिस के जवान भी घायल हुए थे। और इस ऑपरेशन कालिया की अगुवाई कर रहे थे तत्कालीन लखनऊ एसएसपी और 60 से भी ज्यादा कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर करने वाले सुपर कॉप नवनीत सिकेरा। जितनी दिलचस्प कहानी उनके एनकाउंटर्स की है, उतनी ही दिलचस्प कहानी उनके पुलिस अधिकारी बनने की है। सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे एक आईआईटी का होनहार स्टूडेंट मजबूरी में एक आईपीएस अधिकारी बन गया। लेकिन जब वो पुलिस अधिकारी बना तो उसका खौफ अपराधियों के अंदर देखते ही बनता था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की चाहत रखने वाले युवा नवनीत ने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की, पर अपने पिता के साथ पुलिस द्वारा ही बदतमीजी को देखने के बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने की ठानी और वो पहले ही अटेम्प्ट में सफल भी हुए। नवनीत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कुछ धमकी भरे कॉल से परेशान उनके पिता ने थाने में एक शिकायत की थी। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने एक्शन लेने की बजाय उनके पिता की बेइज्जती कर दी। इस घटना का नवनीत पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद उन्होंने आईपीएस बनने का निर्णय लिया। नवनीत की आर्थिक दशा उतनी मजबूत नहीं थी, इसके बावजूद भी उन्होंने किसी भी रुकावट को अपने लक्ष्य के बीच में नहीं आने दिया। उनकी रैंकिंग से उन्हें आईएएस की पोस्ट भी आसानी से मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने आईपीएस बनना पसंद किया। शुरुआती 2 सालों तक वो मेरठ में बतौर एएसपी रहे। जिन लोगों से जबरन या मजबूर करके उनकी संपत्तियों को गुंडों माफियों द्वारा हत्या लिया गया था, उन्हें वो न्याय दिलाने का काम करने लगे। ये बात मेरठ के रसूखदार लोगों को हजम नहीं हुई और एएसपी नवनीत सिकेरा का तबादला बतौर एसएसपी मुजफ्फरनगर करवा दिया गया। उन दिनों मुजफ्फरनगर के बारे में कहा जाता था कि भारत की 2 राजधानी है, एक दिल्ली जहां कानून बनाए जाते हैं और एक मुजफ्फरनगर जहां कानून तोड़े जाते हैं। 1.5 दशक पहले का माहौल, बदमाशों का खौफ ऐसा कि मुजफ्फरनगर के माथे पर अपराध की राजधानी का बदनुमा दाग लग गया था। प्रति व्यक्ति आय में उस समय देश भर में अव्वल मुजफ्फरनगर का ये हाल था कि लोग यहां आते हुए खौफ खाते थे। अपहरण और संगठित अपराध यहां की पहचान बन गए थे। हत्या, लूट और डकैती की ताबड़तोड़ वारदातें यहां हर रोज हो रही थी। युवा एसएसपी नवनीत के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो मुजफ्फरनगर को कैसे अपराध मुक्त कर सकते हैं।
दरअसल आईपीएस नवनीत सिकेरा की मुजफ्फरनगर जिले में 15 माह के कार्यकाल में बड़े बड़े इनामी और शातिर अपराधियों को मार गिराया गया था। उन्होंने यहां करीब 55 बड़े अपराधियों का एनकाउंटर किया था। आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग करने वाले सिकेरा ने तब सर्विलांस के जरिए अपराधियों का खात्मा कर जिले के लोगों को बड़ी राहत दिलाई थी और उनमें कानून व्यवस्था का विश्वास जगाया था। थाना भवन में बिट्टू कैल का एनकाउंटर करने पर तत्कालीन डीआईजी चंद्रिका राय ने उन्हें सिकेरा की बजाय नवनीत शिकारी कहकर संबोधित किया था। छपार थाना क्षेत्र के गांव बरला निवासी शौकीन के अलावा थाना भवन क्षेत्र के गांव कैल शिकारपुर निवासी बिट्टू और नीटू ने आपराधिक वारदात से जिले में दहशत फैलाई हुई थी। शौकीन ने गांव के ही दो लोगों की हत्या करने के अलावा अपहरण और हत्या के कई वारदातों को अंजाम दे रखा था, जिसके बाद शौकीन का नवनीत सिकेरा ने एनकाउंटर किया। इसी तरह नीटू और बिट्टू कैल ने भी ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। इन्होंने पुलिस पर हमला कर उसकी कार्बाइन भी लूट ली थी। इनको भी मुठभेड़ में नवनीत सिकेरा ने मार गिराया था। जिले में 6 सितंबर 2003 से लेकर दिसंबर 2004 तक नवनीत सिकेरा एसएसपी रहे। इस दौरान 55 शातिर और इनामी बदमाशों का एनकाउंटर में उन्होंने ढेर कर दिया। इनमें 20,000 का इनामी शौकीन, पूर्वांचल का शातिर शैलेश पाठक, बिजनौर का छोटा नवाब, रोहताश गुज्जर, मेरठ का शातिर अंजार, पुष्पेंद्र, संदीप उर्फ नीटू कैल, नरेंद्र उर्फ बिट्टू कैल आदि कुख्यात बदमाश शामिल रहे। नवनीत सिकेरा शायद इकलौते ऐसे आईपीएस अधिकारी थे जिनसे खुद तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने इलाके में फैले अपराध पर रिपोर्ट मांगी थी। मेरठ हो, बनारस हो या फिर मुजफ्फरनगर, बदमाशों के एनकाउंटर कर नवनीत सिकेरा ने जुर्म की दुनिया को वहां शांत कर दिया था। नवनीत सिकेरा के ऐसे पुलिस अफसर रहे जिनका करियर बेदाग रहा, साथ ही उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए उन्हें कई वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये थी कहानी एक ऐसे भारत के सुपर दबंग कॉप की, जिसका नाम लेते ही अपराधियों के रूह में सिहरन पैदा हो जाती है। हम फिर हाजिर होंगे अगली बार एक नए भारत के दबंग के व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए बने रहिए शिवालिक जर्नल के साथ। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।